मेरे पिछले जन्म में मुझे मार दिया गया था और भगवान की दया से मुझे मेरा पुनर्जन्म तुम्हारे रूप में मिला। ताकि मैं अपने कातिलों से अपना बदला ले सकूं जिन्होंने मेरे मां बाप मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है, उन्हें उनका सबक सिखा सकूं। पर ये कैसे हो सकता है? आप तो अविनाश हो और मैं क्रिश हूं। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं क्रिश, अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करते ही तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। घबराओ नहीं, अपनी आंखें बंद करो क्रिश। तेरे सपनों के सहारे तो हम सब जी रहे हैं बेटा। अरे बेटा, तू तो हमारा स्वाभिमान है, पूंजी है मेरी। बचपन में आप इसी साइकिल पे मुझे स्कूल जाया करते थे, आज इसी साइकिल पे मैं आपको ऑफिस छोड़ूंगा। चलिए आयुष्मान। रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बनाया है तुम्हारे बेटे ने। मेरी स्कूटी पक्की। गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए हैं। तो शादी करोगी? हाँ हाँ। आज समायरा को प्रपोज कर दिया। उसने क्या बोला? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टेक्नोटेक, उन्होंने एक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी की लॉन्च की घोषणा की है। इसे कहते हैं फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, ये कुछ दिनों से मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, क्यों ना ये सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी को बेचकर एक मोटी रकम हासिल कर ले। सर, लेके जाइए इसे। चल। मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करने का एक और मौका दे दो। का इसलिए तुम्हें धीरे धीरे ये सारे सपने दिखाई देने लगे, ताकि तुम्हारे समझ में आए कि मेरे साथ हुआ क्या था, कैसे मुझे फंसाया गया और कैसे मुझे मारा गया। कान्हा ने मुझे एक और मौका दिया, मैं इस मौके को खाली नहीं जाने दूंगी। लेकिन ये सब कुछ इतना सरल नहीं होगा क्रिश, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें मेरी जब जब जरूरत पड़ेगी मैं तब तब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और हाँ, मैंने आज तुम्हें जो कुछ भी बताया वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे, क्योंकि अगर गलती से भी उन लोगों को इस बात की भनक पड़ गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। अभी अवि, अवि, मुझे ऐसा क्यों लगा अवि ने मुझे याद किया? कहाँ है तू?
अभी तू कहाँ है? अभी कहाँ है? क्यों मेरी ममता की परीक्षा ले रहा? मुझे विश्वास है कि तू है, तू है बेटा, तू जिंदा है। तुझे मेरी ममता और विश्वास की जरूरत। आज तुझे इस बात का प्रमाण देना ही होगा। देखिए अब हवन संपूर्ण हो गया, अब आप पे कोई भी बुरी शक्ति की नजर नहीं पड़ेगी, आपके जीवन के सारे पाप दुख सब दूर हो जाएंगे। कान्हा मुझे शक्ति दो, जिस काम को करने के लिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है मैं वो पूरा कर सकूं। अब देखना कृष, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मा मुझे तो अभी से सब कुछ अच्छा लग रहा है। देखा आपने यज्ञ में कितनी ताकत होती है, मुझे पूरा यकीन है अब सब अच्छा ही होगा। कितने अच्छे से सब कुछ हो गया। हे भगवान मेरे बच्चे को हमेशा सुखी रखना, खुश रखना, वो हमेशा हंसता खेलता रहे। उसे जो भी अजीब सपने दिखाई देते हैं, उसके साथ जो कुछ ये हो रहा है उसे बंद करवा दीजिए। खड़े हो जाइए और अपने माता पिता के चरण छू के आशीर्वाद ले लीजिए। आयुष्मान भव, हमेशा खुश रहना। आई लव यू मम्मा। मुझे होशियार रहना होगा, अगर किसी को भी ये बात पता चली कि मैं ही अविनाश हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे और मैं कान्हा का दिया गया काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये बात तो मम्मा पापा को भी पता नहीं चलनी चाहिए। धन्यवाद पंडित जी, अभी हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद, भगवान सुखी रखे आप सबको। चल चलो सुन, चलो बेटा। क्या हुआ? ये कैलाश नाथ जी के इतने मिस कॉल, पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं। क्या मैं भी बाबा से बात कर सकता हूँ? बाबा? मेरा मतलब अविनाश के माँ बाबा। लेकिन क्रिस तुम्हें, सुनिए मत उठाइए उनका फोन। अभी अभी इतने अच्छे से यज्ञ हुआ है, मैं नहीं चाहती इसके बाद हम उनसे कोई भी रिश्ता रखे। ठीक। ये बाबा बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। पता नहीं कब और कैसे मिल पाऊंगा मैं अपने माँ बाबा से। मुझे जल्दी से कोई तरीका निकालना होगा। चले चलो बेटे। ये माधव जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? इंस्पेक्टर गोविंद पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। वो अविनाश की फाइल पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए मुझे ये खबर वहां तक पहुंचानी होगी, पर
पर कैसे? ये लोग कहाँ चले गए? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मुझे बोल के गए क्या? सॉरी सर। पर बहुत मजा आया। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ कैसे? क्या बात है? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की चोरी के सिलसिले में मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। चाबी दो। चाबी? ए, सर छोड़ दो। चलो ढूंढो सब जगह। जस्सी फास्ट, कुछ भी करके फाइल मिलनी चाहिए। ये चलो जा रहे, ढूंढो बराबर। इधर ताला मिला होगा, सीधा तोड़ दो। समझ गया ना? आपके साथ इस गुनाह की सजा कैलाश नाथ को भी होगी। मेरे पास सबूत है, तुम दोनों के बातचीत के रिकॉर्डेड एविडेंस है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तुम्हारे घर में है। मैं तो एक ईमानदार पत्रकार समझकर तुमसे बिहेव करता था। मुझे नहीं मालूम था कि आप भी कानून तोड़ सकते हैं। आपको अंदाजा है आप कितनी मुश्किल में फंस गए? ईमानदार लोगों के साथ मैं नरमी से पेश आता हूं, लेकिन बेईमान लोगों के साथ उतना ही कड़क कड़क हो। ये इलीगल है। आप किसी रिकॉर्डिंग के बाद बोलकर हमारे घर की तलाशी नहीं ले सकते हो। और अगर आपको तलाशी लेनी है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, वरना हो सकता है कि आप सर्चिंग के नाम पर हमारे घर में कुछ रखकर हमें फंसा दे। और सबसे जरूरी बात, मेरी मम्मा के मेरे घर में होते हुए आप किसी महिला पुलिस के बिना यहाँ की चेकिंग नहीं करवा सकते हो। सब कानून तुम्हें कैसे पता? पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे सब पता है। और अगर आपने चेकिंग अभी के अभी बंद नहीं की ना, तो मैं ह्यूमन राइट का ऑफिशियल कॉल लगाकर आपकी चेकिंग बंद भी करवाऊंगा और आपकी कंप्लेन भी करूंगा। जस्सी, जस्सी। हाँ सर। सर्च वारंट करते वक्त एक एक्स्ट्रा महिला पुलिस रखो, बोला था। चलो अभी चलो। यहां का सोडा बहुत अच्छा है, लेकिन सारी दुनिया घूम ली सारी, लेकिन मथुरा का ये खासकर मूंग दाल कचौरी और ये साबुदाने का पकौड़ा जवाब ही नहीं। थैंक यू मिस्टर प्रिंसिपल। क्या नाम बताया आपने? मैं बाबर हूं, वीर बहुगुना। वीर बहुगुना, बहुत अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। अगर आपका खाना पीना हो गया तो कुछ काम की बात करें। मेरी एक कमजोरी है कि मैं अच्छा खाना और बिजनेस की बातें दोनों एक साथ नहीं कर सकता। ये मेरी कमजोरी रही है, क्योंकि ना मैं भोजन भक्त हूं बचपन से। और सच्ची बात बताऊं, बचपन से ना मुझे हलवाई बनने का बड़ा शौक था। हलवाई बनना चाहता था मैं सच्ची। ये पढ़ाना लिखाना ये इस लाइन में हाथ ही नहीं डालता मैं सच्ची। दाद देता हूँ मैं आपके मिशन्स की मिस्टर बहुगुना।
हलवाई बनना चाहते थे आप। वैसे अभी भी देरी नहीं हुई है, हमारे रुद्र की तरह एक होटल ने 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफैक्ट चेन ऑफ होटल्स खोल सकते हैं। क्यों सुधीर? ओह राधे राधे, बिल्कुल सही कहा सर। विक्रांत सर के साथ काम करना ऐसा है जैसे मानो आपकी कोई लॉटरी लग गई हो। आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं, आप हर वो काम कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी अपनी जिंदगी में सोचा होगा। अगर विक्रांत सर का हाथ आपके सर पे हो तो वागे वागे। ऐसा है कि मैं स्वभाव से हसमुख किस्म का आदमी हूं, स्वभाव से ही हूं, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना तुम लोग मुझे समझते हो। मुझे अच्छी तरह से पता कि आप लोगों ने मुझे यहां पर क्यों बुलाया। ताकि मैं प्रिंसिपल वीर बहुगुणा अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ जाऊं और चंद फायदे के लिए, तुम्हारे चंद फायदे के लिए, अपने चंद फायदे के लिए सैकड़ों बच्चों को, उनके फ्यूचर को तबाह कर दूं। उन बच्चों सिर्फ तुम्हारे स्वार्थ के लिए। आप लोग की मैनिपुलेशन के हिसाब से आप लोगों ने स्कूल तो बंद कर दिया, लेकिन ये स्कूल ज्यादा दिनों तक बंद नहीं होंगे, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं आवाज उठाऊंगा, तुम लोग के खिलाफ जाऊंगा, ऊपर तक जाऊंगा। आई बात समझ में? प्रिंसिपल साहब, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इस दुश्मनी का अंजाम क्या होगा। मौत से बढ़कर थोड़ी ना। दिल रोया है मंदिर मस्जिदों को वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। एक नसीहत देता हूं, मेरी नहीं है, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद की है। उन्होंने हमेशा हमें एक चीज सिखाई है कि ईश्वर जो है अपने एक शिक्षक के जरिए अपने कर्तव्य को निभाते हैं और उस शिक्षक की रक्षा भी करते हैं। तो फिर क्या तुम और क्या हम? कचौड़ी और बहुत अच्छी थी, इसका बिल भी मैं ही भरूंगा। प्रणाम। ओ सुधीर, कलयुग में भी अविनाश दुबे जैसे कितने ईमानदार और बेवकूफ लोगों से मिलूंगा मैं, समझ में नहीं आता। वसूलों के लिए ये लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, पर अगर जान देना ही चाहते हैं सुधीर, तो लेने में क्या अर्ज है? प्रणाम नहीं मिस्टर वीर बहुगुण, राम नाम सत्य है।